आज मैंने जो जन्मदिन मनाया जालरा पाटन के श्रीमन नारायण वृद्धाश्रम में मनाया, बहुत अच्छा लगा। ऐसा काम करने से एक तो सबसे बढ़िया मन में शांति मिलती है। वैसे तो समाज सेवा के बहुत काम करते सभी, पौधारोपण है, रक्तदान शिविर है, लेकिन आज मैंने एक अलग अंदाज में, मुझे लगा कि इस संसार में, इस जीवन में बच्चे अपने माँ बाप को जैसे उनका काम हुआ, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे आए और माँ बाप बुजुर्ग हुए, वो उनको एक बेस्ट की तरह छोड़ देते हैं उनको, बिल्कुल के इनका कोई काम ही नहीं है इस घर के अंदर, है ना, ना उनसे कोई बात करते, ना उनसे कोई मतलब रहता है ना, ना टाइम से उनको कभी कोई खाना देता है। तो आज हमारे देश में वृद्धाश्रम की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, उसका कारण यही है कि हमारे बच्चे शायद उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे। और मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे भी एक बार वृद्धाश्रम देखना चाहिए जाके क्या होता है उसमें। तो आज मुझे लगा, बहुत मैं प्रभावित हुआ और मैं यहाँ पर ज़्यादातर जो वृद्ध है वो 75 से ऊपर के हैं, उनके लिए मैं एक कुछ सामान, खाद्य सामग्री। आपने किससे प्रेरणा ली भाई यहाँ मैं जो जन्मदिन यहाँ मनाना चाहिए सर? मेरी जो धर्म पत्नी है जो हमेशा मेरे जीवन में अग्रणी रहती है, हाँ, और हमेशा इनका सहयोग रहता है कुछ न कुछ नया करने में, सामाजिक कार्य करने में, ये हमेशा मुझे प्रेरणा देती रहती है। आज इन्होंने प्रेरणा, सुबह जगते ही जैसे मैं जगा तो इन्होंने एक नए अंदाज में प्रेरणा दी कि आज अपना जन्मदिन, यहाँ पर कोई वृद्धाश्रम हो झालावाड़ ज़िले में तो वहाँ जाके अपन जन्मदिन मनाएंगे। मैंने मालूम किया, मैंने हमारे विनय जी जैन है हमारे प्रिय दोस्त, उनको फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि झालरापाटन के अंदर वृद्धाश्रम है, तो मैं आया और यहाँ आके मनाया।